जान वाटर फ्रंट। तो ये मैं देखने आया था पार्क के शारजा में, पार्क के सामने पानी है, इसके वाटर फ्रंट कहते हैं, मरजान अल मरजान वाटर फ्रंट। बहुत लोग हैं अभी एक्सरसाइज करने आए हैं यहाँ पे, सफाई वाले सफाई कर रहे हैं। तो ये मस्जिद है सामने, इसके अपार्टमेंट्स बने हैं सब, सूरज निकला हुआ। तो ये एंट्रेंस है मेन, एंट्रेंस पर आके चेक करते हैं। तो ये सारा एंट्रेंस है पार्क, बस देखें सारे स्टेप का बनाया था उन्होंने, और सामने आपको पानी दिख रहा होगा, सामने वाटर। उन्होंने म्यूजिक भी लगा रहे जैसे पानी की सफाई ऐसे कर रहे हैं, ये अरमरजान वाटर फ्रंट। तो ये देखिए सामने पानी है, वाटर फ्रंट इससे कहते हैं इसको, ये सारा सामने पानी है। और ये पार्क बनाया हुआ है बच्चों के खेलने का, ये देखिए ये भी मेन इंटरेस्ट ही एक तरीके से, और लोग वहाँ पे वॉक भी कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है बैकग्राउंड में, इन्होंने लगा के रखा हुआ म्यूज़िक। तो ये देखिए सारा ये वाटर फ्रंट देखिए, कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। तो ये मैं चलता हुआ जा रहा हूँ पानी की तरफ, सारा देखें इसमें वो नूर आए आइसलैंड है, जैसे लोग पिक्चर भी खरीद रहे हैं बना रहे हैं। ये की सारा मेन एरिया है देखें, ये देखें ये सारा मेन एरिया, और ऐसे बनाया हुआ उन्होंने। अब इसमें यहाँ पे आप वॉक भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वॉक कर सकते हैं यहाँ पे। लोग वॉकिंग कर रहे हैं। ये है सारा वाटर अरमरजान वाटर फ्रंट, और ये जो है सारे रेस्टोरेंट है सारे इस तरह, ये सारे रेस्टोरेंट टाइप के बनाए हैं उन्होंने, ये सारे ये रेस्टोरेंट देखेंगे। वो मस्जिद है और ये सारे रेस्टोरेंट है, और ये जो है वाटर फ्रंट है, वो जो है वो नूर आइसलैंड है, और वो शारजा के बोहरा कॉर्नी से सारा। तो इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ। तो अंदर पार्क के अंदर भी घूम सकते हैं, अंदर पार्क के लिए वहाँ पे शिपें हैं। तो मैं किस साइड पे जाऊँ, इस साइड पे जाऊँ या उस साइड पे जाऊँ, तो ये डिसाइड भी करना है। इस साइड पे भी जा सकते, उस साइड पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ जाते हैं उस ब्रिज से होकर फिर वापस आएँगे, यहाँ पर शिप हैं, फिर असल उस साइड पर जाना है। तो या पहले उस साइड पर चले जाएँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में पहले इस साइड पे चले जाता हूँ, इस साइड पे जाता हूँ, फिर यहाँ से जाके फिर दूसरी साइड की मैं फिर आपको बना के दिखाता हूँ वीडियो ना। तो इस साइड से बस वहाँ से ब्रिज से होकर आएंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं आएंगे, ठीक है। टाइप का बना के रखा हुआ है इन्होंने ये सामने, और ये जो है ये सामने बॉर्डर इस तरीके से बना के रखा हुआ है। तो लोग एक्सरसाइज करने आए हैं, गर्मी तो बहुत है लेकिन लोग आए हैं, लोग क्या करेंगे घर में बैठ। घर में बैठे कुछ नहीं कर सकते, तो और यहाँ पे आ गए। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, इस साइड पे देखेंगे सारे ये रेस्टोरेंट्स भी हैं सारे, बच्चों खेलने का बना रहे हैं, झूले वूले सारे बनाए हुए हैं इन्होंने साइड पे। तो कबूतर भी हुए हैं हमारे सामने घूम रहे हैं। तो ये है, ये म्यूज़िक यहाँ भी चल रहा है, सेम म्यूज़िक है लेकिन सारे रेस्टोरेंट बनाए हुए, शायद शाम में बहुत ज़्यादा रश होता होगा यहाँ पे। तो
ये है शारजा का मेन एरिया, ये शारजा है बेसिकली लोगों का एरिया आ गया। तो यहाँ से शिप में पकड़ के आप अंदर पूरा घूम के आ सकते हैं, अभी तक पूरा आइसलैंड में। तो आपने शिप में पकड़े यहाँ से और घूमने निकल जाए। ये शारजा की सारा एरिया है सारा, आप देख रहे हैं ये शारजा है। तो शिपें तो बंद होंगी, तो जब खुलेंगी तब आप यहाँ से इसमें बैठ के आप निकल सकते हैं जितना भी यहाँ जाना चाहें। तो इस तरीके से बना के रखा हुआ इन्होंने, जिनको एंट्री लिखा हुआ ऑथोराइज पर्सन होगी ये शिप है। टिकट ख़रीदने की जगह 2 PM डेली टू टू इलेवन है ये इंटरेस्ट है, ठीक है। वो भी है यहाँ पे ना, तो ये सिचुएशन भी है बंदे यहाँ पे पोजीशन टाइट होती है तो सो जाते हैं। एक पे बिल्ली बैठी हुई है, एक पे बंदा सो रहा है। तो ये देखिए हम पूरा वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आ गए हम लोग, पूरा वहाँ से ना पीछे से घूम के उधर से हम लोग निकले थे, तो उधर से घूम के हम लोग यहाँ तक आए। पीछे साइकिलें भी चल रही हैं, तो वो भी साइकिलें भी चल रही हैं, उनको भी चल रही हैं। इनकी अपनी साइकिलें हैं, करीम की साइकिल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से हम लोगों के आ गए उस एरिया से, वहाँ से पूरा निकले थे उस जगह से, और फिर उस साइड पे जाएंगे ये हम ब्रिज तक जाके फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। ब्रिज तक चलते हैं बस। बताइए लोग फिशिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, उस जगह से मैं आ गया था तो ये लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। और ये ऊपर जाने की जगह ब्रिज तक पहुँच गए, ये ऊपर जाके आपको ब्रिज की उस तरफ भी जा सकते हैं, अदरवाइज अंदर से दूसरा रास्ता बनाना पड़ रहा था। ये सारे फिशिंग करने वाले लोग घूम रहे हैं इस साइड पर भी, उस साइड पर भी। और ये ब्रिज जो है देखें सारा उतर हुआ, ये दूसरे एरिया में जा रही है, कस्बा का एरिया। फिर मैं आपको कस्बा का एरिया दिखा देता हूँ, ये ब्रिज ना यहाँ से कस्बा के एरिया में जा रहा है। तो ये भी है सारा, देखिए यहाँ भी आप आके घूम सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतना तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने पानी का ब्रिज के नीचे से खूबसूरती है लिहाज से। तो ये है सारा, तो बैक टू मरजान में आ गए हम लोग। ये देखिए मरजान में ज़बरदस्त व्यू पेश कर रहा है सूरज जो है, और बिल्डिंगों के साथ ये वाटर फ्रंट जो है, ये वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेस इन शारजा। तो ये पूरा अल मरजान फ्रंट है, और उस साइड पे कस्बा था, उस साइड पे हम लोग गए, उस साइड पे कस्बा था वहाँ भी हम लोग होके आए। तो उस साइड पर वहाँ जाना भी मुझे लगता तो नहीं है मुमकिन है कि नहीं है, ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि गर्मी और उच पे टाइम के ऊपर चाह रहा है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ अभी, तो 7:15 हुए, तो उतना टाइम तो नहीं है। अगर जाना चाहें तो हम लोग जा भी सकते हैं, इस बात नहीं, लेकिन बस वो देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बनती है उसके लिहाज से फिर हम लोग जाएंगे, अदरवाइज़ फिर यहीं से कुछ एडजस्टमेंट करके फिर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्लेस आप देखें, ये सारा इधर अभी मैं घूम रहा हूँ, ये देखें सारा प्लेस, बड़ा ज़बरदस्त मंजर पेश कर रहा है सूरज के साथ ना, लेकिन गर्मी बहुत है, एडजस्ट करना पड़ता है घूमने के लिए लाइफ में, क्या करें। अच्छा टूर मर चांद में फिर से मैंने वीडियो बनाया, तो अच्छा व्यू आ रहा था तो मैंने कहा व्यू बना लेता हूँ वीडियो। तो ये देखेंगे पानी चल रहा है, पाम ट्री, सूरज, ग्रास के फ्रंट पे वाटर, ठीक है। बस व्यू बन रहा था, ये सारी शिपों का एरिया पे कयाकी कर सकते हैं, शिप के अंदर घूम सकते हैं, अल मरजान कयाक। तो इस तरीके से सब फैसिलिटीज़ मौजूद है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बना के दिखाई होगी। तो बस ये सही, वो शिप चलना शुरू हुई घूमने का, सफाई करने के लिए घूम रही है, सफाई कर रही है, ठीक है। के अंदर का प्लेस है फिर शारजा बोटिंग टूर और रेस्टोरेंट बने हुए हैं ये। तो अल मरजान जो है ना, अल मरजान पार्क की बात कर रहा है ये। तो इसके अंदर का व्यू है सारा,
ये देखिए सारा ग्रीनरी है, सारा बना के रखा हुआ है बच्चों के खेलने की। ये देखिए बच्चों को खेलने की जगह बनाई हुई है, और ये पार्क है, लोग रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। ये बैठने की जगह बनाई हुई है इस तरीके से, तो किड्स फंड हाउस लिखा हुआ है इसमें, किड्स फंड हाउस। ये सारा इन्होंने शायद इस तरीके से बनाया हुआ। सारा सब यही है किड्स के लिए, सारा प्लेइंग एरिया बना। ये देखें सारा किड्स फंड हाउस इनसाइड, और ये आउटसाइड जो है ये बच्चों को सारे खेलने की जगह है। बच्चे वही मस्त हो इधर खेल सकते हैं। और ये मुझे तो पेड़ लग रहा है, हर जो एरिया है सारे मुझे पेड़ लग रहा है, तो मेरे ख्याल में पेड़ ही होंगे क्योंकि ना बंद हुए हैं 7 to 12 ईयर। और काउंटर भी बनाया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, काउंटर भी बनाया हुआ है, तो पेड़ होंगे तो 7 to 12 इसका भी बनाया हुआ काउंटर को। आई थिंक ये पेड़ होंगे, ये अजीब पार्क है, पेड़ प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए। तो नॉर्मली तो फ्री होता है दुबई वाला, तो अच्छा स्पेशल होगा, मेंटेन किया होगा इन्होंने सोचा। तो ये देखें ये सारा है, तो पार्क के इनसाइड का दिखा दिया मैंने, रनिंग कर आउटसाइड जाके फिर मैं और दिखाता हूँ। यार मर जाऊँगा, जॉगिंग ट्रैक हो गया सामने, ये जॉगिंग ट्रैक है, तो इस तरीके से तो बड़ा दोस्त पार्क बनाया हुआ है मरजान वालों ने, तो मरजान फ्रंट कहलाता है। टिम हॉर्टन भी है यहाँ पे, कोल्ड स्टोर भी है, तो ये जॉगिंग ट्रैक है। यहाँ पर साइकिलिंग अलाउ नहीं है, नो साइकिलिंग, नो स्काई स्केट्स, नो बाइक, लोग फॉलो भी करते हैं डर के हमारे फाइन ना दे। हाँ दूसरे मुल्क में तो ऐसे चेक कर रहे हैं, लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन इधर बेचारों को डर के हमारे फॉलो करना पड़ता था। तो बस ये मैंने हमारे बना लिया मरजान की वीडियो, तो देखता हूँ पूरा कॉर्निश आगे जाता हूँ मैं नहीं जाता, वो मैं चेक करके मैं आपको बताता हूँ कि बस वीडियो पर हम क्लोज करने लगे हैं। ये अलबैक है यहाँ का, सामने अलबैक है, सामने अल मजाज करके, अल मजाज फ्रंट करके था, तो ये अलबैक है। सही है, तो फिनिश हो रही है वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त मिलते हैं फिर, ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।